नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर वक्त हो चला है। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करने का, गुजरात दौरे पर पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कहा कि पीएम मोदी का विजन बहुत बड़ा है और उनके लिए कोई काम असंभव नहीं। देश हित के लिए जो भी जरूरी होगा पीएम मोदी अपनी इच्छा शक्ति से उसे जरूर लागू करेंगे। और वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर मुख्यमंत्री ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी, क्योंकि ये लंबे समय से चर्चा चल ही रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन पूरे देश में लागू हो और जिससे कि एक बार में ही सभी चुनाव हो सकें, जिससे कि देश की बहुत बड़ी धनराशि न सिर्फ बचेगी बल्कि उससे बहुत समय की भी बचत होगी, ऊर्जा का संचय हो सकेगा। और चूंकि बहुत बड़े पैमाने पर चुनाव पूरे देश में होते हैं और भारत एक ऐसा देश जहां 12 महीने ही चुनाव कहीं ना कहीं होते ही रहते हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन बहुत बड़ा है और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के वो सबसे बड़े पदाधिकारी हैं, तो उनके लिए और उनके विल पावर के लिए और देश के लिए जो जरूरी है माननीय मोदी जी सब अपने विल पावर से करते हैं और जनता उसको अप्रिशिएट करती है। और बढ़ते हैं आगे, गुजरात दौरे पर पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने के ऐलान को ड्रामा बताया। उन्होंने कहा कि वो हकीकत जानते हैं, कोर्ट की तरफ से उन पर कोई रोक लगी है, वो जनता के बीच जाना भी चाहते हैं और हारी हुई लड़ाई की तरफ बढ़ रहे हैं, जनता सब जान चुकी है। ड्रामा है, केजरीवाल जी जानते हैं कि उनको कोर्ट ने कितने बंधन लगाए हैं और वो जनता के बीच में जाना चाहते हैं, लेकिन जो जिस प्रकार की परिस्थिति उनके सामने बनी हुई है उसमें वो रास्ता निकाल करके अपनी एक हारी हुई लड़ाई की तरफ बढ़ रहे हैं, जनता सब जान चुकी है। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात हुई। इस दौरान भजनलाल शर्मा ने अंग वस्त्र देकर और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, दरअसल ये तस्वीरें उस दौरान की जब राजस्थान के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उनसे मुलाकात कर रहे थे भजनलाल शर्मा से, और मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों ही प्रदेशों के समकक्ष एक दूसरे से मिले और एक दूसरे को सम्मानित किया, अंगवस्त्र देकर उनका स्वागत किया। और कांग्रेस विधायक के भाई पर मामला दर्ज हुआ छतरपुर में, जहां विधायक के भाई और ड्राइवर पर केस दर्ज हुआ। लात घूसों से मारपीट, गाली गलौज का आरोप लगा और रामसिया भारती के भाई तुलसी लोधी पर एफआईआर दर्ज हुई। आरएसएस के कार्यकर्ता सैलून संचालक ने एफआईआर दर्ज कराई। बाजुना थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई। और नरेंद्र परमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे अभी, अब से कुछ ही देर में उनसे संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी फिलहाल आपको बता दें कि मारपीट गाली गलौज का आरोप है, लात घूसे से मारपीट और गाली गलौज करने के इस आरोप में रामसिया भारती के भाई तुलसी लोधी पर एफआईआर दर्ज हुई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता हैं, बाजना थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। कांग्रेस विधायक के भाई पर मारपीट करने का आरोप है और विधायक के भाई और ड्राइवर पर केस दर्ज किया गया। लात घूसों से मारपीट की गई, गाली गलौज का भी आरोप है। दरअसल रामसिया भारती के भाई पर, जिनका नाम है तुलसी लोधी, आरएसएस के कार्यकर्ता और सलून संचालक ने एफआईआर दर्ज करवाई है। छतरपुर से ये पूरा मामला सामने आया और इस पूरे मामले में अब क्या कार्रवाई की जा रही है ये भी देखने का विषय होगा, अब तक जानकारी पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि विधायक के भाई पर और उनके ड्राइवर पर मारपीट करने का आरोप लगा है और रामसिया भारती के भाई तुलसी लोधी पर एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है, और इस एफआईआर में क्या गिरफ्तारी भी होगी या फिर जमानत ये भी देखने का विषय होगा। फिलहाल आपको बता दें कांग्रेस विधायक के भाई और उनके ड्राइवर पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है, लात घूसों से मारपीट करने और गाली गलौज करने का आरोप है। और नरेंद्र परमार हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। नरेंद्र, क्या है आखिर ये पूरा मामला?
की ऐसा है, छतरपुर जिले की जो बड़ा मलहरा विधानसभा सीट है, इस सीट से कांग्रेस की विधायक सुश्री रामसिया भारती हैं और इनके भाई जो है तुलसी लोधी और उनका जो चालक है, ऐसा बताया गया, ऐसा आरोप है कि इन्होंने बाजना गांव में जाकर एक गाड़ी पर सवार होकर, लग्जरी गाड़ी पर सवार होकर जाते हैं और बाजना गांव के जो रहने वाले हैं आरएसएस के उपखंड कार्रवाई हैं और वह सैलून की दुकान चलाते हैं और उस समय जब वह सैलून का काम कर रहे थे उसी समय विधायक के जो भाई हैं तुलसी लोधी अपने ड्राइवर के साथ पहुंचते हैं और उनके साथ पहले गाली गलौज करते हैं और गाली गलौज करने के बाद जब सैलून संचालक हैं जो आरएसएस के उपखंड कार्रवाई हैं उन्होंने मना किया तो उन्होंने ताव में आकर उसके साथ जो आरएसएस के खंडवाहक है सैलून संचालक उनके साथ लात घूसों से जमकर मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी गई। इस पूरे घटनाक्रम के बाद पीड़ित जो हैं उन्होंने बाजना पुलिस थाना में शिकायत की और शिकायत के बाद पुलिस ने तत्काल उनका एमएलसी कराते हुए, उनका डॉक्टरी परीक्षण कराते हुए, जो आरोपी हैं विधायक के भाई कांग्रेस विधायक रामसिया भारती के जो भाई हैं तुलसी लोधी उनके खिलाफ और उनके चालक के खिलाफ मारपीट का और जान से मारने की धमकी देने सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है और पुलिस अब इस पूरे घटनाक्रम की जांच में जुट गई है। जी बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए नरेंद्र। रामसिया भारती के भाई पर एफआईआर, बाजना थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कांग्रेस विधायक के भाई पर एफआईआर दर्ज की गई, कांग्रेस विधायक के भाई पर मामला दर्ज हुआ और ड्राइवर भी इस पूरे मामले में लपेटे में आया है क्योंकि लात घूसे से मारपीट और गाली गलौज करने का आरोप है। छतरपुर से पूरा मामला सामने आया। रामसिया भारती के भाई पर एफआईआर, उनके ड्राइवर पर एफआईआर, आरएसएस के कार्यकर्ता और सलून संचालक के साथ मारपीट किए जाने का आरोप उन पर लगाया और एफआईआर दर्ज की गई है। और बढ़ते आगे, रुक करेंगे इस बीच आ रही बड़ी खबर का, इंदौर से आ रही बड़ी खबर जहां छात्र की चाकू मारकर हत्या किए जाने का एक मामला सामने आया है। आपको बता दें कि इंदौर में चाकू मारकर छात्र की हत्या की गई है। हालांकि इस पूरे मामले में अभी जानकारी जुटाने का प्रयास किया जा रहा है कि चाकू मारकर छात्र की हत्या करने वाला आखिर कौन है और क्या इसके पीछे का कारण है, इस पर और डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। दरअसल भंडारे के दौरान विवाद हुआ था और उसके बाद यह हमला किया गया। मिथिलेश गुप्ता हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ, बात करेंगे उनसे। मिथिलेश, आखिर क्या है ये पूरा मामला? कि अभी तक जो जानकारी सामने आई कि ये घटना रात लगभग 2 से 3 बजे के बीच की बताई जा रही है। भंडारे के दौरान पर ये विवाद हुआ था और करीब 10 से 12 लड़कों के बीच में विवाद हुआ था और सभी की उम्र जो है वो काफी कम है, 20 से 22 साल के बीच की उम्र इनकी बताई जा रही है और कुछ इसमें शायद 17 से 18 साल के भी हो सकते हैं। लेकिन 8 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है, बाकी आरोपियों की भी धरपकड़ चल रही है। लेकिन विवाद जो है भंडारे के दौरान पे हुआ और उसके बाद एक युवक का ताबड़तोड़ एक ग्रुप के द्वारा, जो दूसरा युवक का ग्रुप वहां पे मौजूद था, चाकू से हमला कर देते हैं और उपचार के दौरान पर युवक की मौत हो गई। जिसकी मौत हुई है वो 12वीं के छात्र हैं, इंदौर में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। और लेकिन अभी तक जो जानकारी सामने आई है कि विवाद की वजह क्या रही, भंडारे के दौरान पर शायद कुछ कमेंट्स करने को लेकर इनका आपस में विवाद हुआ था और उसी कमेंट्स की बात पर चाकूबाजी की बड़ी घटना हुई और उसमें 12वीं के छात्र की जान चली गई। 8 जो आरोपी हैं पुलिस की हिरासत में, कुछ और आरोपियों की गिरफ्तारी की बात चल कही जा रही है। लेकिन कल देर रात गणेश चतुर्थी का जो भंडारा चल रहा था उसमें इंदौर में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ और इसके लिए कहीं ना कहीं मिथिलेश जो आयोजक हैं उन पर भी जवाबदेही बनती है। बिल्कुल जवाबदेही बनती है और कल हालांकि पूरा जो मामला है कल वो देर रात का है, पुलिस का कहना है कि आज भी पूरे मामले पे जांच चल रही है और भी आरोपी बनाए जा सकते हैं। लेकिन इसमें जिनकी मौत हुई है उनके दोस्त को भी चोट लगी है, इस वक्त निजी अस्पताल उपचार चल रहा है, वो भी गंभीर है। 8 आरोपी हिरासत में है और भी आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। लेकिन 20 साल जिनकी हत्या हुई है उनकी उम्र 20 साल बताई जा रही है, 12वीं के छात्र हैं और कल इंदौर के में जो देर रात कल घटना हुई है उसमें 20 साल के छात्र की जान चली गई। लेकिन आयोजकों का इसमें क्या भूमिका रहेगी, आयोजक क्या कह रहे हैं इस बारे में, कोई जवाब दिया जा रहा है? देखिए आयोजकों का कहना है कि भंडारे के कार्यक्रम जो है वो कई सालों से करते चले आ रहे हैं और कल भी वो कार्यक्रम था। लेकिन जब कल भंडारे के दौरान पर लोग प्रसाद ले रहे थे उसी दौरान पर ये लड़कों के अलग अलग ग्रुप वहां पे खड़े थे और इनके ग्रुप के बीच में ही किसी बात को लेकर कुछ कमेंट्स बाजी हुई, कुछ कमेंट्स हुआ जो ग्रुप के लड़कों ने एक दूसरे पे किया और वो कमेंट्स को लेकर विवाद शुरू हुआ। पहले वो मारपीट तक था, लेकिन मिथिलेश कमेंट हुए और फिर हाथापाई हुई, लेकिन इस दौरान आयोजकों की यहाँ पर मौजूदगी होनी चाहिए थी। भंडारा हो रहा है, यहां पर कोई मर्डर करने का कंपटीशन नहीं चल रहा है और लड़ाई झगड़े का कोई कंपटीशन नहीं चल रहा, लेकिन अभी इस पूरे मामले में आयोजकों की भूमिका भी यहां देखना होगा, जांच के दायरे में रहती है या नहीं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए।
और बालाघाट में जिला बस ऑपरेटर संघ ने बसों की हड़ताल कर दी है और बसों का संचालन बंद होने के चलते लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिले से हैदराबाद के बसों के संचालन को बंद करने के लिए बस ऑपरेटर्स ने यह हड़ताल की है। ऑपरेटर्स की माने तो नियम के खिलाफ जिले से हैदराबाद के लिए बसें चलाई जा रही हैं। और ग्वालियर में फर्जीवाड़े का एक नया मामला सामने आया है। एक ट्रक के दस्तावेज पर दो ट्रक्स चलाए जा रहे थे। दरअसल क्राइम ब्रांच ने लक्ष्मणगढ़ इलाके से ट्रक को पकड़ा है और ट्रक मालिक पर केस दर्ज किया गया है। फिलहाल क्राइम ब्रांच और आरोपी ट्रक मालिक की तलाश में फिलहाल क्राइम ब्रांच की टीम जुटी हुई है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अब ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, ये दो अलग अलग ट्रक्स हैं लेकिन दोनों पर एक ही नंबर चस्पा है और ये महाराष्ट्र के अथॉरिटी से रजिस्टर्ड ट्रक है। हालांकि इन दोनों ट्रक्स के अलावा भी क्या इस तरह के ट्रक्स और चल रहे हैं जिन पर कि एक ही नंबर हो, या इन दोनों में से किसी एक पर असली नंबर प्लेट है जबकि दूसरे पर नहीं, देखने का विषय है। हालांकि अब इस वक्त पूरे देश में जहां हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स वाहनों पर इस्तेमाल हो रही हैं तो ये ट्रक अपने ही अलग अलग फॉन्ट्स में नंबर हाथ से लिख करके इस पर प्लेट लगाई हुई है। तो ऐसे में अभी क्राइम ब्रांच की टीम ट्रक मालिक की तलाश में जुटी हुई है।